तो बुआ बबुआ का रिश्ता क्या टूटा, अंकल अमर सिंह को तो बैठे बैठाए मानो एक मुद्दा सा मिल गया हो। उन्होंने अखिलेश यादव पर खूब आज भयंक बाण चलाए और साथ ही साथ उनकी तुलना कालिदास से कर डाली है। रिपोर्ट देखिए। ट्वीट कर मायावती ने गठबंधन तोड़ने का औपचारिक ऐलान किया तो सबसे ज्यादा खुश अंकल अमर सिंह हुए। अमर सिंह के चेहरे की खुशी बता रही है कि उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। आज अंकल को अखिलेश के खिलाफ बोलने का मौका मिला था तो खूब बोले और सपा मुखिया की तुलना कालिदास से कर डाली। भारतीय राजनीति का कालिदास है अखिलेश यादव। कालिदास के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे, इसलिए उनकी पत्नी ने उनको महामूर करके छोड़ दिया था। तो संभवतः वो जान गई थी ये कालिदास है, जो अपने पिता मुलायम सिंह, अपने चाचा शिवपाल यादव, अपने पुराने पारिवारिक शुभेच्छु अमर सिंह, ये सब डाल थे उसके दल के, उसको उसने काटा जिस पर वो बैठा हुआ था। तो खुद को सपा की शाखा और अखिलेश यादव को कालिदास बताकर अमर सिंह ने खूब व्यंग बाण चलाए। लेकिन भला अंकल इतने से कहां मानने वाले थे, आज तो बैठे बिठाए मौका मिला था तो अंकल ने अखिलेश की सारी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी। सपा की हार की वजह क्या थी ये भी बताया, साथ ही मायावती की चतुराई का भी गुणगान किया। जीतों का आप अंतर देख लीजिए, डिंपल हार गई, धर्मेंद्र हार गए, अगर ये गठजोड़ ना होता तो शायद समाजवादी की 5 ना थी और मायावती शून्य पर थी तो शून्य ही रहती। बड़ी चतुरता से गाजीपुर और पूर्वांचल की वो तमाम सीटें जो समाजवादी की परंपरागत सीटें हैं वो मायावती ने ले ली, और लखनऊ में नरेंद्र मोदी जी वाली सीट, लखनऊ में राजनाथ सिंह जी वाली सीट, बनारस में मोदी जी वाली सीट, सारी भारी भरकम सीटें अखिलेश के खाते में डाल दी। तो वो जान गई थी कि ये राजनीति का कालिदास है, जिस दाल पर बैठा उसे काटेगा, और उन्होंने अपना पुराना राजनीतिक प्रतिशोध जो समाजवादी पार्टी से था उसको पूरा कर लिया है। अमर सिंह ने बुआ भतीजे के रिश्ते टूटने पर चुटकी ली तो भला बीजेपी कैसे चुप रहती। बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कमान संभाली और गठबंधन टूटने की पटकथा का विस्तार से वर्णन किया। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, ये कभी भी इस प्रदेश का, इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सपा बसपा कांग्रेस में तय है कि जो उनके परिवार का सदस्य होगा वही उनकी पार्टी का मुखिया भविष्य का बनेगा, इसलिए आज सपा बसपा और कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और भाजपा को स्वीकार किया। तो सियासत का यही दस्तूर है साहब, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं, वक्त की नजाकत को भांप कर जो बाजी मार ले गया वो खिलाड़ी और जो पैतरे को नहीं समझ पाया वो अनाड़ी। आशीष तिवारी, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।